नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीत एजुकेशन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरियन कोर्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लाइब्रेरियन कोर्स यदि आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि लाइब्रेरियन कोर्स आप कब कर सकते हैं, कितने वर्ष का होता है, कहाँ से आप कोर्स को करना है, और साथ ही साथ कोर्स करने के बाद नौकरी के कितने अवसर है। तो दोस्तों, लाइब्रेरियन का कोर्स करने के बाद आपके लिए रोजगार के कई अवसर खुल सकते हैं। यदि आप बेरोजगार हैं तो लाइब्रेरियन का कोर्स आपको डेफिनेटली करना चाहिए, और साथ ही साथ लाइब्रेरियन का कोर्स करने के बाद आपको नौकरी के सैकड़ों अवसर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप भी एक लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं या चाहती है, तो आपको बैचलर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस यानी BLIB अथवा डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस को कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप BLIB यानी इस कोर्स का पूरा नाम है बैचलर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, और साथ ही साथ दोस्तों डिप्लोमा भी इसमें आप कर सकते हैं, जिससे आपको प्राइवेट एरियाज एंड गवर्नमेंट एरियाज में एक लाइब्रेरियन के तौर पर नौकरी मिल जाएगी और आप अपने भविष्य को एक नया आयाम दे सकते हैं। बैचलर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस यानी BLIB तथा डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस करने की अवधि 1 साल की होती है। तो दोस्तों, इस कोर्स को करने की अवधि होती है 1 साल की, और साथ ही साथ अधिकतर ये कोर्सेज अंग्रेजी भाषा में होता है। कुछ एक संस्था ये कोर्स हिंदी भाषा में भी कराते हैं। हालांकि अंग्रेजी भाषा में कोर्सेज होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में भी इसके कोर्स उपलब्ध है। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए आपको 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके BA में या BSc में या BCom में आपके 50% होने चाहिए। स्टूडेंट को इस कोर्स के माध्यम से कंप्यूटर तकनीकी, पुस्तकालय प्रबंधन तथा पुस्तक प्रबंधन : क्वालिफिकेशन सूचना तकनीकी DDC डेविड डेसिमल क्वालिफिकेशन तथा रीडर्स के प्रबंधन और मार्गदर्शन के बारे में सिखाया जाता है। तो दोस्तों, में रीडर्स प्रबंधन मार्गदर्शन के बारे में सिखाया जाता है, और साथ ही साथ पुस्तकालय का प्रबंधन कैसा करना चाहिए उससे संबंधित इसमें दोस्तों बताया जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कहां से दोस्तों आपको कोर्स को करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटीज़। यहां पर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है, वहां से 1 साल का बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम का कोर्स होता है, वो आप कर सकते हैं। साथ ही आगे बात करते हो प्रताप यूनिवर्सिटी है जयपुर में, वहां पर आप इसका कोर्स कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर टोटल फीस है 33,500 रुपये, ये आप पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर जयपुर में ये कोर्सेज है, और 44 कोर्स और 11 स्ट्रीम में ये कोर्स कराए जाते हैं, और कुल फीस की बात करें तो दोस्तों इसमें 33,000 की फीस है। तो आगे बात करें दोस्तों, निम्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर जयपुर में है, और इसमें दोस्तों 1 साल का कोर्स है, 15,000 में यहाँ पर लाइब्रेरी का कोर्स इसमें कराया जाता है। आगे बात करें दोस्तों, तो महेश्री अरविंद यूनिवर्सिटी है जिसमें 1 साल का कोर्स है, वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से कर सकते हैं, जिसमें 20,000 की टोटल फीस है, 1 साल का ये कोर्स है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से भी इसमें कर सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों 13,700 रुपये में इस कोर्स को आप कर सकते हो। आगे बात करें ओंकारमल सोमानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वहाँ से भी दोस्तों इसको आप कोर्स कर सकते हैं, 1 साल का कोर्स है। जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से 16,000 में इसको आप कर सकते हैं। आगे आप देखें दोस्तों, सिंघानिया यूनिवर्सिटी यहाँ पर झुंझुनू में है, इसमें आप 20,000 में इस कोर्स को कर सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री PG कॉलेज है जयपुर में, 1 साल का उसमें कोर्स है। दोस्तों, भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर में यहाँ पर 1 साल का कोर्स है, वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर है, वहाँ पर 25,000 में इसको कर सकते हो आप। और आगे आप देख सकते हैं MLSUN मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से भी इस कोर्स को आप कर सकते हो। OPGS यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर 32,200 में 2 साल का कोर्स है, वहाँ से भी आप MLIB यानी एम लाइब्रेरियन का कोर्स है उसको आप कर सकते हो। और श्री खुशलाल दास यूनिवर्सिटी है 1 साल का, वहाँ पर दोस्तों एम लाइब्रेरी का कोर्स 1 साल में करवाया जाता है। सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी है, उसमें आप दोस्तों आप देख सकते हैं BLIB साइंस से 66,100 रुपये में इस कोर्स को कर सकते हो। तो दोस्तों, BLIB करने के बाद MLIB होती है, वो भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें लाइब्रेरी में MPhil भी आप कर सकते हैं। अब बात करेंगे अवसर कहाँ कहाँ। तो स्टूडेंट जो कि लाइब्रेरियन का कोर्स करने के उपरांत अनेकों अवसर मिलते हैं, लेकिन विशेषकर प्राइवेट व गवर्नमेंट एरियाज में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक लाइब्रेरियन की पोस्ट पर अपना काम कर सकते हैं। आपको किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको BLIB करने के बाद MLIB और फिर NET JRF उत्तीर्ण करना होगा, और अनुभव बढ़ने के साथ साथ आपको अवसर और संभावनाओं का दायरा बढ़ता जाएगा। तो एक लाइब्रेरियन की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
जो भी रीडर्स आपकी लाइब्रेरी में आए हुए हैं उनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था करना, रीडर्स की जरूरत के हिसाब से उनको कौन कौन सी पुस्तक की जरूरत है उनको उपलब्ध कराना, पानी पीने की समुचित सुविधा, लाइब्रेरी में उचित प्रकाश का उपलब्ध होना, लाइब्रेरी में शांति का माहौल बनाए रखना, रीडर्स को पुस्तकों के चयन में सजेशन देना, ये दोस्तों उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों BLIB करने के बाद आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं और साथ ही साथ आप आगे जाना चाहते हैं तो फिर MLIB कर सकते हैं और साथ ही साथ फिर दोस्तों आप NET JRF करने के बाद यहाँ पर लाइब्रेरियन में काफ़ी सारे अवसर आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप यदि BLIB कर लेते हैं तो भी आपको लाइब्रेरियन के कोर्सेज करने के बाद आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ साथ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें।